2 दिसंबर को शिक्षा खंड स्रोत समन्वय केंद्र पांवटा साहिब में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के संचालक अनुराग गुप्ता पुष्पा खंडूजा ने बताया कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य केवल विकलांग लोगों के अधिकारों सम्मान और देखभाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। साथ ही इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करना था। डिसेबल लोग आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और कल्चरल लाइफ के हर पहलू के लाभों को समझ सके इसलिए इस दिन को मनाया जाने लगा है। इस मौके पर पांवटा साहिब विकास खंड के विभिन्न स्कूलों के दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों में शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखाई गई। ये 3 दिसंबर को हर साल विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है एक दिन पहले यानी कि 2 दिसंबर आज जो है ये दिव्यांगता दिवस ब्लॉक लेवल पर मनाया जा रहा है। शिक्षा खंड पांवटा साहिब का और शिक्षा खंड खोड़ोवाड़ा के यहाँ पर बच्चे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व दिव्यांगता दिवस। इसमें अलग अलग बच्चों को जो है एक्टिविटी करवाई जा रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, और उनके स्तर के अनुसार जो है इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आज जो है ये एक्टिविटी करवाई जा रही है, और इसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है और इनको इनाम भी दिए जा रहे हैं। यहाँ लंच की व्यवस्था है और इनके लिए स्पेशल इनके उत्साहवर्धन के लिए, और क्योंकि ये हमारे समाज का एक हिस्सा है और संविधान के अनुसार इनको भी शिक्षा का अधिकार है, ये हमारे देश के मुख्य धारा में शामिल हो, ये किसी भी अपने शिक्षा से और अन्य अधिकार से वंचित ना रहें, इसलिए इनके लिए जो है प्रयासरत हैं।